हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ सूरन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस सूरन को हमारे यहाँ ओल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हुई है। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी सब्ज़ी को मैं किस तरह से बनाई हूँ। तो सबसे पहले मैंने हाथों में सरसों का तेल लगा ली हूँ और इसको छील कर अच्छे से इस तरह के टुकड़ों में काट के रख ली हूँ। तो आप हाथों में तेल ज़रूर लगा लें, तेल नहीं लगाएंगे तो इसको काटते समय आपके हाथों में खुजली होगा, तेल लगाने से खुजली नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं एक कुकर में इन सारे सूरन को डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए देती हूँ। गैस का फ्लेम तेज करके बस एक सीटी लगाना है। तो मैं यहाँ अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और आधा नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से सूरन में जो खुजली होता है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और इसको अब हम उबलने के लिए दे देते हैं। तो बस एक ही सीटी लगाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है इसको। तो मैं इसको गैस पर चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। अब हम यहाँ पे मसाले पीस लेते हैं। यहाँ पे 2 पोट लहसुन लिया था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और 1 चम्मच जीरा। तो इन सबको हमें मिक्सी में डालकर एक अच्छा सा बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा पानी डालते हुए इस मसाले को मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक महीन सा अच्छा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का पेस्ट तैयार कर ली हूँ। अब इसमें सूखे मसाले डालते हैं। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और यहाँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। इन मसालों को अब मिक्स करके साइड में रख देना है। मसाले को मिक्स करके साइड में रख दी हूँ और ये सूरन में भी एक सीटी लग चुका था। तो आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको गलाया नहीं है, बस थोड़ा सा ही उबाली हूँ एक सीटी लगाकर, क्योंकि इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो इसको पानी में से निकालने के बाद इसको इस तरह से छानकर एक बर्तन में रख लेती हूँ और इसमें से जो ये पानी बचेगा उस पानी को हमें फेंक देना है, इस पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर सूरन को फ्राई कर लूँगी। तो सूरन को ठंडा होने के बाद ही फ्राई करें। मैंने यहाँ सरसों का तेल ली हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तो इस सूरन को इस तेल में डालकर अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो सूरन को फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम मैंने तेज ही रखी हूँ। तेज़ आंच पर इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये फ्राई होने लग गया है, इसमें अच्छे से कलर आने लग गया है। तो बस 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और अब इसको निकाल कर एक बर्तन में रख लेना है। सूरन को इसी तरह का हमें फ्राई करना है, तभी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर ली हूँ, उसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ। तेल 5-6 चम्मच के आसपास होगा। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ और यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जब जीरा अच्छे से भून जाए तो इसमें मैं 2 लाल मिर्च डाल दूँगी। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और यहाँ पे तेज़पत्ता डाल दी हूँ। यहाँ पे 2 बड़े साइज का प्याज ली थी, उसको बारीक काट ली हूँ। जीरा भुनने के बाद इस प्याज को डालकर और प्याज को अच्छे से हमें भूनना है जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का प्याज रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब इस तरह का प्याज भुन जाए तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। तो जो हमने मिक्सी में तैयार किए थे मसाले, तो वही मसाले हैं ये। इन सब मसालों को डालकर हमें लगभग 4 से 5 मिनट मसाले को भूनना है। मसाले भूनते समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, तभी मसाला अच्छे से भुनेगा और सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। मैंने गैस का फ्लेम लो करके और इस मसाले को ढकते हुए 5 से 6 मिनट भून लूँगी। तो धीमी आँच पे ही मसाले को भूनना है। तो मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाता है। तो मैं इसको 5 से 6 मिनट भून लूँगी। मैंने लगभग मसाले को 5 मिनट भून ली हूँ। अब इसमें डाल देते हैं मीट मसाला।
तो मैं यहाँ एक चम्मच के आसपास मीट मसाला डाली हूँ। इस मसाला को डालने से सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पर डाल देती हूँ एक टमाटर, और अब डाल देते हैं इसमें एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालें। और इसको अब हम मिक्स करके, टमाटर डालने के बाद भी मसाले को 5 से 6 मिनट हमें भूनना है, तो इसी तरह से ढक ढक के मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जब और इस सब्ज़ी में मैंने जो मीट मसाला डाली हूँ, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो उस मसाले को नहीं भी डाल सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट टमाटर डालने के बाद भी मसाले को भून ली हूँ, और मसाले में से तेल ऊपर आने लग गया है। मसाला अच्छी तरह से मेरा भून चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है मसाले का। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, तो मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का कलर काफ़ी ही अच्छा आता है। पानी डालने के तुरंत बाद ही इसमें हमें फ्राई किए हुए सूरन को डाल देना है, तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। और आप देख सकते हैं अभी से ही मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 गिलास के आसपास पानी डाली हूँ। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसको अब ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है, और ये सब्ज़ी खाने में काफ़ी ही टेस्टी लग रही थी। बिल्कुल मीट के तरह इसका स्वाद लग रहा था। तो आप सब एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके और 5 मिनट के लिए इसको पकने देती हूँ। 5 मिनट बाद जब सब्ज़ी ठंडी हो गई तो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का, और अच्छी तरह से ये पक भी गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस डाली हूँ। नींबू का रस डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद अच्छी तरह से सब्ज़ी को मिक्स कर लें, और 2 मिनट तक इसी तरह रहने दें, और इसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आप सब मेरे इस तरीके से इस सूरन की सब्ज़ी को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इस सब्ज़ी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पूरी, पराठा, चावल, रोटी, सबके साथ ये सब्ज़ी काफ़ी ही टेस्टी लगती है। और इस सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल मीट की तरह लग रहा था, तो एक बार आप सब ज़रूर बनाइएगा। और इस सब्ज़ी को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा सब्ज़ी को टेस्ट कर लेती हूँ। सब्ज़ी कितनी भी अच्छी बनी हो पर उसमें थोड़ा सा नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो सब्ज़ी का स्वाद बेकार हो जाता है। तो मेरी सब्ज़ी बिल्कुल सही बनी हुई थी, तो आप सब भी एक बार ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।